सो फाइनली माय हीरो एकेडमी चैप्टर 327 रिलीज हो गया है एंड इस चैप्टर का नाम था रेस्ट। सो इस चैप्टर की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है इस चैप्टर में एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि क्लास 1 के सारे स्टूडेंट्स डेकू के साथ बात कर सके और उसे समझ पाए ताकि सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाए। एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट डेकू नीड सम रेस्ट, तो उसे ये रेस्ट इस चैप्टर में मिलती है। सो अगर आप बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना बिकॉज मैं वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट डालता रहता हूं। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा सीन बाय सीन, पैनल बाय पैनल। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि डेकू कामिनारी, किरिशिमा एंड बाकी लोगों के साथ नहा रहा होता है एंड जिस हालत में डेकू था ही नीड अ बाथ। एनीवेज इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि डेकू, किरिशिमा एंड अदर स्टूडेंट्स वर हैविंग फन व्हाइल बेदिंग बट बाकुगो उनकी हरकतों को देखकर गुस्सा करने लगता है। सो बाकुगो को गुस्से में देखकर तोकोयामी कहता है भले तुमने डेकू से माफी मांग ली है बट तुम बदले नहीं हो। एंड इसके रिप्लाई में बाकुगो कहता है आई हैवंट गिवन अप ऑन बिकमिंग नंबर 1 हीरो, यू आर ऑल स्टिल माई राइवल्स and that includes you Izuku। So here बाकुगो के इस बात से हमें उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जानने को मिला एंड मुझे ऐसा लगता है कि बाकुगो has changed बट स्टिल उसके अंदर जो जिद है नंबर 1 हीरो बनने का वो अभी भी है, विच इज अ गुड थिंग। एनीवेज कमिंग बैक टू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल अब हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स लिविंग रूम में है और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड तभी डेकू उराराका की बात करता है एंड देन ही गेट टू नो दैट उराराका इज स्लीपिंग। सो जैसा कि हम सभी ने देखा था इन प्रीवियस चैप्टर की उराराका ने कितना एफर्ट किया था सिविलियंस को कन्विंस करने में एंड नाउ शी इज बिट टायर्ड एंड दैट्स व्हाई शी इज स्लीपिंग। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पैनल डेकू कहता है थैंक यू एवरीवन and sorry for the trouble। एंड इसके रिप्लाई में आशिदो कहती है क्या तुम अपने वन फॉर ऑल के एबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। सो हियर आशिदो के इस बात से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है कि क्लास 1 स्टूडेंट्स को अभी भी डेकू के क्वर्क के बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, विच मेक सेंस क्योंकि डेकू ने अपने पावर के बारे में इन लोगों को कभी बताया ही नहीं था। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर इन द सेम सीन अब सोतो बोलता है तुमने बहुत कुछ सहा है, फ्रॉम बीइंग क्वर्कलेस टू गेटिंग इमेंस पावर, इट्स टू मच। आई एम श्योर तुम थक गए होंगे इसलिए तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। तो सोतो की ये बात सुनकर डेकू कहता है राइट नाउ मैं ठीक हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैंने ऑल माइट को बहुत कुछ बुरा कहा है और यही बातें मुझे खाई जा रही है। सो हियर जैसा कि वी ऑल नो दैट इन फ्यू चैप्टर्स बैक डेकू ने ऑल माइट को जाने को कहा था, उसे फॉलो नहीं करने को कहा था और यही सारी बातें डेकू को खाए जा रही है एंड राइट नाउ ही वांट टू से सॉरी टू ऑल माइट। सो एनीवेज कमिंग बैक टू अ चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल सडनली ऑल माइट की एंट्री होती है और वो झुक कर कहता है आई एम सॉरी मिदोरिया, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया। सो ऑल माइट की ये बात सुनकर डेकू कहता है तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है ऑल माइट। सो इस सीन में फिर आशिदो की एंट्री होती है और वो इरिटेटिंग वॉइस में बोलती है क्या तुम सिर्फ उससे ही माफी मांगोगे, हमसे भी माफी मांगो, तुम बिना कुछ कहे हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। सो आशिदो की ये बात सुनकर ऑल माइट सभी को अश्योरिटी देते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी डिटेल में कुछ नहीं बोल सकता पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं अपने इस करंट बॉडी के साथ कुछ नहीं कर सकता बट स्टिल। तो ऑल माइट के पूरा कहने से ही पहले डेकू ऑल माइट की बात काटते हुए कहता है आपने जो लंच बॉक्स दिया था वो काफी डिलीशियस था, मैं बुरे सिचुएशन में इसलिए था क्योंकि मेरे पास आप नहीं थे मुझे गाइड करने के लिए, बट नाउ लेट्स प्रोटेक्ट एवरीवन टुगेदर। सो डेकू की ये बात सुनकर हमें क्लियरली पता चल जाता है कि नाउ डेकू कैन सेव एवरीवन बाय वर्किंग टुगेदर एंड अब डेकू थोड़ा बदल गया है, विच इज अ गुड थिंग। एनीवेज इन दिस सीन हमें ऑल माइट के डिटर्मिनेशन के बारे में भी पता चलता है बिकॉज फ्रॉम हिज इनर थॉट वी गेट टू नो दैट वो अपना जीजान लगा देगा लोगों की मदद करने के लिए एंड ही गोना डू एवरीथिंग ही कैन टू सी अ बेटर फ्यूचर विद एवरीवन। सो एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम देखते हैं कि ऑल माइट क्लास 1 के ड्रोम से जा रहा होता है एंड इन द नेक्स्ट पैनल वी सी दैट डेकू अब आराम से सो रहा होता है। तो इसके बाद इन द नेक्स्ट पैनल हमें सारे क्लास 1 स्टूडेंट्स का डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है एंड दिस टाइम दे गोना सेव एवरीवन बाय वर्किंग टुगेदर एंड विल गो बियॉन्ड। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल सीन चेंज होता है और हमें हॉक एंड बेस्ट जीनस को दिखाया जाता है जो कार में कहीं जा रहे होते हैं। तो इन दिस सीन हॉक बोलता है गराकी के थ्रू हमें शिगराकी एंड नोमू के ग्रोथ रेट के बारे में पता चल गया है, भले ही हमें पता नहीं है कि शिगराकी को कम्प्लीटली रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा बट स्टिल वी कैन गेस दैट इट विल टेक हिम एटलीस्ट 2 मंथ। शिगराकी ने टार्टारस प्रिजन में 2 महीने पहले अटैक किया था तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है टू फाइट fight against All For One and Shigaraki. So here, जैसा कि हम सभी को पता है कि right now All For One is trying to take over Shigaraki's body and उसे ऐसा करने में और एक महीना लगेगा and उसके बाद All For One will become more stronger. तो in simple word इसका मतलब ये हुआ कि heroes के पास वक्त कम है. Anyways, coming back to our chapter, in the next panel हम देखते हैं कि Endeavor भी Hawk के साथ कहीं जा रहा होता है हवा में उड़ के and from this scene हमें ये पता चलता है कि Stain ने काफी important piece of information दिया है All Might को and एक विलन हीरो की मदद करेगा ऐसा एंडेवर ने कभी सोचा नहीं था. तो वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया है बट आई थिंक दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू टार्टरस प्रिजन और ऑल फॉर वन. सो ओवरऑल अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो मुझे ये चैप्टर ठीक ठाक ही लगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से एक न्यू आर्क शुरू होगा एंड दैट न्यू आर्क विल बी द फाइनल आर्क. सो जैसा कि इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि अब सिर्फ एक महीना ही है हीरोज के पास, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हीरोज इस एक महीने में क्या प्लान करते हैं एंड डेकू किस तरीके से डेवलप होता है इस एक महीने में अपने दोस्तों के साथ, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा. सो अगर आपको दो बढ़िया एनिमे के बारे में जानना है तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.